हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हेल्दी कुकिंग लैब। आज हम नान बनाएंगे। जनरल रेस्टोरेंट में नान बनाने के लिए अंडे और ईस्ट का इस्तेमाल होता है, पर आज हम बिना अंडे और ईस्ट के नान घर पे बनाएंगे। और इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किए बिना भी एकदम सॉफ्ट नान कैसे बनती है और वो एक घंटे बाद भी इतने की इतनी सॉफ्ट कैसे रहती है, उसका सीक्रेट मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए नान बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। कप का मेजरमेंट जो हम केक बनाने के लिए कप यूज करते हैं उसके हिसाब से लिया है। और 1 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। नान बनाने में गेहूं का आटा इस्तेमाल करने से नान बहुत ही लंबे समय तक सॉफ्ट रहती है। अब स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। 3/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ले लेंगे। पिज्ज़ा, नान, केक, ये सब बेकिंग की जो आइटम होती है उसमें बेकिंग पाउडर से बेकिंग सोडा कम डलता है। अब इसमें 1 चम्मच पिसी हुई शक्कर डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से आटे में मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको रूटीन मिले। अब इसमें 1/4 कप घी डाल देंगे। घी से नान बहुत ही सॉफ्ट बनती है, इसलिए तेल या बटर की जगह घी डालें। अब 1/2 कप दही डाल देंगे इसमें। दही हमको ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है, मीडियम खट्टा ही लें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही हम फर्मेंटेशन के लिए डालते हैं, पर अगर आप ज़्यादा खट्टा दही डालेंगे तो आटे में से और नान में से खट्टेपन की बदबू आने लगेगी, इसलिए ज़्यादा खट्टा दही यूज़ मत कीजिए। अब हम दूध से आटा बांधेंगे। दूध यहाँ पे हमको हल्का सा गर्म लेना है। हल्के से गर्म दूध से आटा बांधने से आटा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के डो तैयार करेंगे। आटे की कंसिस्टेंसी हमको ऐसी रखनी है। अब इसे 10 मिनट तक अच्छे से मलेंगे। आटे को 10 मिनट तक मसल के इस तरह से एकदम चिकना हो जाए, उसके बाद हम इसे एक पॉलीथीन में या तो जिप बैग में या तो फिर आपके पास प्लास्टिक का कोई बर्तन हो या डिब्बा हो उसमें ढक के इसे बंद जगह पे 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। किसी भी आटे को हम प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन बहुत ही जल्दी आता है। अगर आप समर में बना रहे हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए आप आटे को रख सकते हैं, पर अगर आप बहुत ही ठंडी में नान बना रहे हैं तो कम से कम इसमें फर्मेंटेशन आने के लिए 5 घंटे लगेंगे। मैंने इसे इस तरह से एक जिप बैग में रख दिया है। अब इसे इस तरह से ढक के एक बंद जगह पे 3 घंटे के लिए रख दूंगी। 3 घंटे बाद आटे को चेक करेंगे। देखिए, काफी फूल गया है। इसे अब जिप बैग में से निकाल के कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से मसलेंगे। 7 मिनट अच्छे से मसलने के बाद अब इसके एक जैसे लोए बना लेंगे। मैं वीडियो में बताना भूल गई हूँ कि मैंने आटे को अच्छे से मसलने के लिए थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल किया था। इस तरह से एक जैसे लोए तैयार कर लेंगे, पेंडे जैसे। देखिए, लोए तैयार है। अब हम नान बनाएंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लेके इस तरह से नान को बेलेंगे। मैं यहाँ पे राउंड शेप नहीं ले रही हूँ, आप जिस शेप की नान बनाना चाहते हैं उस शेप में आप इसे बेल सकते हैं। अब इसमें थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। मैं ये पहली वाली नान में पानी लगाना भूल गई हूँ, इसलिए काले तिल और हरा धनिया जब आप डालें उससे पहले हल्का सा पानी लगा ले ताकि आपको बेलने में आसानी रहेगी। अब इसे अच्छे से बेल लेंगे ताकि ये काले तिल और हरा धनिया है वो नान में अच्छे से चिपक जाए। अब नान को हथेली पे इस तरह से उल्टा कर लेंगे और इस पे अच्छे से पानी लगा लेंगे ब्रश की मदद से, इस तरह से। अब इस तरह के एक आयन के तवे पे नान को रखेंगे। पानी वाला हिस्सा नीचे रखना है और एक बात का ध्यान रहे कि तवा गर्म होना चाहिए। नान को तवे पे रखने के बाद फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पकने देंगे। नान एक तरफ अच्छे से पक जाए फिर हम इसे इस तरह से तवा उल्टा करके फ्लेम पे ही इस तरह से पकाएंगे। इस तरह से हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही तवे को इस तरह से घुमाना है और नान को अच्छे से सिकने देना है। नान इस तरह से हर तरफ से सिक जाए फिर तवे को सीधा कर देंगे और नान को इस तरह से तवे पे से नीचे उतार लेंगे। देखिए, मैं एक दूसरी नान बना के दिखाती हूँ। इस तरह से कोई भी शेप में नान को पहले बेल लेंगे। अब इस पे ब्रश की मदद से पानी लगाएंगे हल्का सा। अब इस पे थोड़े से काले तिल और हरा धनिया चॉप किया हुआ डालेंगे
और इसको एक बार वापस से बेलेंगे ताकि ये हरा धनिया और काले तिल इसमें अच्छे से चिपक जाए और वो तवे पे गिरे नहीं। इस तरह से बेल के अब हथेली पे नान को उल्टा करेंगे और वापस नीचे की साइड में ब्रश की मदद से इस तरह से पानी लगाएंगे और हल्के से गर्म तवे पे इसे इस तरह से डालेंगे। नान जैसे ही पकना शुरू होंगी देखिए इस तरह के बबल्स हो जाएंगे इसके। अब तवे को फ्लेम पे इस तरह से उल्टा करेंगे और हाई टू मीडियम फ्लेम पे इस तरह से तवे को घुमाते हुए नान को सिकेंगे अच्छे से। तवे को कंटिन्यू फ्लेम पे इस तरह से घुमाना जरूरी है ताकि नान की जो बॉर्डर है वो कच्ची ना रहे। आप देख सकते होंगे कि नान हर तरफ से सिक गई है। अब तवे को इस तरह से सीधा करके नान को नीचे उतार लेंगे। बटर आप तवे पे भी लगा सकते हैं इस तरह से और नीचे उतार के भी लगा सकते हैं। लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल की नान, और ये खाने में भी इतनी ही सॉफ्ट है, वो भी बिना ईस्ट या तो बिना अंडे के। इसको आप छोले की सब्जी या तो कोई भी पंजाबी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में दिखाए हुए प्रॉपर मेजरमेंट के साथ सही तरीके से आप ये नान बनाएंगे तो सच मानिए आपकी नान बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, और आप ये 2 घंटे बाद भी खाएंगे तो ये इतनी की इतनी ही सॉफ्ट रहेगी। जबकि हम रेस्टोरेंट में खाते हैं वो नान सिर्फ 5 या 10 मिनट में ही एकदम रबड़ जैसी हो जाती है। पर आज की इस वीडियो में जैसे मैंने दिखाया है वैसे गेहूं का आटा और मैदा मिक्स करके ये नान बनाइए, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। देखिए एक बार मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ, है ना एकदम सॉफ्ट। इसमें देखिए मैं अंदर से भी खोल के दिखाती हूँ कितनी जाली पड़ी है, आप देख सकते हैं। तो इस रेसिपी से नान एक बार जरूर घर पे ट्राई कीजिए और आपके ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको आज की ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए।